हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज हम करने वाले हैं इस कार का NVS लेवल टेस्ट। वैसे मैं आपको बता दूं, इस कार को मुझे लिए हुए एक साल हो चुका है। अराउंड 10,000 किलोमीटर मैंने इस कार को चला लिया है। अब कई लोगों का कहना है कि यार टाटा की कार्स है, 3 सिलेंडर्स कार्स है, और टाइम रहते रहते इनके साथ इनमें जो वाइब्रेशन का इशू है, जो नॉइस का इशू है, वो बढ़ता रहता है। तो आज हम टेस्ट करेंगे कि इस कार में कितना NVS लेवल है इस कार का, और कुछ बड़ा है या नहीं बड़ा ओवर द ईयर जो मैंने इसको यूज़ किया है। तो सिंपल हम टेस्ट करेंगे कि इस कार में कितनी वाइब्रेशन रह गई है, कितना नॉइज़ रह गया है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक ग्लास वाटर। सो गाइस, जैसे अभी हमारी कार स्टार्ट है, एंड वाटर टेस्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको नॉइज़ सुनाना चाहता हूँ कि बाहर कितनी नॉइज़ आ रही है कार की। वैसे आउटडोर में है हम, थोड़ी बाहर आउटडोर की भी नॉइज़ है। सबसे पहले आपको कार में बाहर से नॉइज़ सुनाता हूँ कि बाहर से कितनी नॉइज़ आ रही है। माइक में कार के पास लेके जाता हूँ और आप देखिएगा कितनी नॉइज़ आ रही है। सो गाइस, 3 सिलेंडर इंजन है, 1 साल हो चुके हैं, और ये इसका BS6 Phase 2 वाला इंजन नहीं है, पहले वाला इंजन है BS6। तो वाइब्रेशन और नॉइस थोड़ी बहुत रहती है 3 सिलेंडर इंजन में, जो इसमें पहले थी उसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं आया है। उतनी ही नॉइस अभी भी इसमें है इस कार में। जो इसका नया BS6 Phase 2 कंप्लाइंट इंजन है, उसके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ चैनल पे, उसमें ये नॉइस काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। एंड अभी जो मेरे को आपको नॉइस अगर बाइक में आ रही होगी, तो इतनी नॉइज़ इसमें पहले भी थी और अभी भी मेरे को वही नॉइज़ आ रही है इस कार से। तो अब चलते हैं, करते हैं इस कार का वाटर टेस्ट की कितनी वाइब्रेशन है कार पे। तो उसके लिए चाहिए हमारे को एक ग्लास वाटर, और इस वाटर को रख के देखते हैं बोनेट पे कि कितनी वाइब्रेशन आ रही है कार में बाहर से। तो गाइस, जैसे मैंने वाटर रखा है बोनेट के ऊपर, आप देख सकते हो उस ग्लास में कि कितनी वाइब्रेशन रह गई है। ये तो रहा इसका बाहर से टेस्ट। अब हम चलते हैं कार के अंदर और चल के देखते हैं कि अंदर कैबिन में कितनी वाइब्रेशन है इसका। तो चलिए सुबह चलते हैं कैबिन के अंदर और देखते हैं कैबिन में कितनी वाइब्रेशन। तो गाइस, जैसे कार स्टार्ट है और मैं आपको दिखाता हूँ कि कार के अंदर कितनी वाइब्रेशन रह गई। तो इस ग्लास को मैं प्लेस करता हूँ इसके डैशबोर्ड पे और देखते हैं कि कितनी वाइब्रेशन रह गई है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्लास को प्लेस करूँ तो आप देख सकते हो वाइब्रेशन। ऐसा जितनी कोई वाइब्रेशन यहाँ पे फील नहीं हो रही है मुझे। अब मैं इस ग्लास को थोड़ी और लोकेशन चेंज करता हूँ और देखता हूँ कि कितनी वाइब्रेशन रह गई है और पार्ट्स में। वो पैसेंजर साइड अगर मैं आपको दिखाऊं कि कितनी वाइब्रेशन है, तो आप देख सकते हो कि को पैसेंजर साइड भी कितनी वाइब्रेशन रह गई है। तो यार, ऐसी कोई वाइब्रेशन अभी मुझे फील नहीं हुई है कि इसकी वाइब्रेशन बढ़ी है ओवर द ईयर यूज़ करने पे। जितनी वाइब्रेशंस पहले भी थी, कैबिन भी पहले भी काफ़ी हद तक साइलेंट था और अभी भी उतना ही काफ़ी हद तक साइलेंट है। 3 सिलेंडर इसमें आता है तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन और नॉइज़ रहती है, बट वो इतनी ऐसी नहीं है कि आप कंप्लेन करो कि हमारे में ज़्यादा वाइब्रेशन और नॉइज़ है। थोड़ी बहुत वाइब्रेशन नॉइज़ है, बट वो बहुत ही लिमिटेड है, और कैबिन के अंदर आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है। कैबिन काफ़ी हद तक साइलेंट है कार का, और जो अब Phase 2 कंप्लाइंट आया है इसका, उसमें ये और ज़्यादा साइलेंट हो गया है बाहर भी और अंदर भी। अब गाइस चलते हैं, कार का बोनट ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इंजन में कितनी वाइब्रेशन आ रही है और इंजन में कितनी नॉइज़ है। सो गाइस, अब इस ग्लास को कार के इंजन में प्लेस करके दिखाता हूँ मैं आपको कि कितनी वाइब्रेशन रह गई है कार के अंदर, एंड कितनी वाइब्रेशन आपको इसके कार के इंजन में मिलेगी। तो गाइस, जैसे आपने देखा ये इसका BS6 Phase 1 वाला इंजन है, तो इसमें काफ़ी हद तक वाइब्रेशन है कार के अंदर जब आप इंजन में आप देखोगे तो।
अब ये जो वाइब्रेशन आप यहाँ पे देख रहे हो और इसको अगर आप कंपेयर करोगे BS6 फेस 2 कंप्लाइंट इंजन के साथ, तो ये वाइब्रेशन आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। मैं इस ग्लास को थोड़ी और जगह प्लेस करके दिखाता हूँ आपको कितनी वाइब्रेशन है। सो गाइज, आप जैसा देख रहे हो इंजन में अभी इसके वाइब्रेशन है, बट ये वाइब्रेशन आपको इसके फेस 2 कंप्लाइंट में देखने को नहीं मिल रही है। फेस 2 कंप्लाइंट काफ़ी हद तक साइलेंट हो चुका है, इंजन में आपको वो वाइब्रेशन और वो नॉइज़ देखने को नहीं मिलेगा अब जो इसका फेस 2 कंप्लाइंट आ रहा है। बट ये जो वाइब्रेशन आप यहाँ देख रहे हो, ये वाइब्रेशन इसमें पहले भी थी और अभी भी है, तो ऐसा नहीं हुआ कि ज़्यादा बड़ी है वाइब्रेशन। इतनी वाइब्रेशन इसमें पहले भी थी और ये वाइब्रेशन इसमें अभी भी है, और जो है आपके सामने गाइस आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितनी वाइब्रेशन अभी आ रही है। सो गाइस, वाइब्रेशन तो हमने चेक कर ली, बट मैं एक बार आपको नॉइज भी दिखा देता हूँ कि कार के अंदर कितने इंजन से कितनी नॉइज आ रही है। तो मैं माइक थोड़ा सा पास ला के दिखाता हूँ इंजन के और देखिए आप कितनी नॉइज आ रही है। सो गाइज, आपने जैसे देखा कि इस कार में कितनी नॉइज़ और कितनी वाइब्रेशन है, और ऐसा नहीं हुआ है कि ओवर द ईयर इसकी नॉइज़ और वाइब्रेशन बढ़ा है। ये जो वाइब्रेशन और नॉइज़ आपने देखी है, स्पेशली जो इंजन के अंदर आपने वाइब्रेशन देखी है, वो इसमें पहले ही से थी, और ऐसा नहीं है कि उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, उतनी ही रही है। बट ये चीज़ पहले भी थी इसमें और अभी भी है, बट ये चीज़ जो इसका फेस 2 कंप्लाइंट है उसमें काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।